फिर अगर हमने बीओ पे प्रॉपर नहीं एंट्री करी तो वो ट्रेंड छूट जाता है एंड देन एक्चुअली ऑप्शन में समझ में नहीं आता कि अब री एंट्री कहाँ करे परफेक्ट uh, ना क्या सो वी एक्चुअली डोंट नो वेयर टू टेक एंट्री जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है और वो रिट्रेसमेंट कब पावरफुल होते हैं कब नहीं होते है सो so, एक उसका एक यू नो काइंड ऑफ हैक यू कैन से टेल यू एग्जैक्टली कहाँ पे री एंट्री हो सकती है कैसे अगेनोर्स रिस्क टू रि रेशो रखना है तो जो एक ऑप्शन में फोमो होता है कि अरे ये रैली छूट गई अब समझ में नहीं आया कि कहाँ करे मतलब को, कोई भी कॉल हो पुट हो ट्रेंड होता है तो दस का पचास होता है या सौ का दो सौ होता है पांच सौ होता है एंड यू डोन्ट नो वेयर टू टेक दैट एंट्री ये एक आज उसके लिए मैं आपको बताऊंगी इन दिस पर्टिकुलर सेलवी स्टार्ट

लेटमी शेयर द स्क्रीन एंड आई होप यू कैन सी द स्क्रीन मैम कब बीओ रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल ट्रेड लेना है ओके फिर हम एंड ऑफ द सेशन सब क्लियर कर देते हैं

और यहाँ पे सेम वही है थर्टी नाइन एट हंड्रेड का पुट एंड दिस इज द 15 मिनिट चार्ट ऑफ इट ओके दिस इज द फिफ्टीन मिनिट चार्ट ऑफ इट जब हमने ऑप्शन का डेटा स्टॉक ऑप्शन को uh, कैसे हम ट्रेड करेंगे वो सारे सारे लोगों ने वो वीडियो देख लिए है राइट स्टॉक ऑप्शन को हम सेल बाय uh, कैसे करेंगे इन विच सिनारियो वी बाय राइट सो एवरी वन इज ऑन अ सेम पेज For that particular thing. So I hope आपने देख लिया हो नहीं देख लिया हो तो वो एक बार विडियो देख लेना राइट ना दिस इज दिफ्टीन मिनट चार्ट और कभी भी जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है अगेन दिस सेम थिंग होता है एंड कैन यू सी दीज ई एम एस वेल सॉर्टेड राइट और यहाँ पे जो है मार्केट ट्रेंड लेने लगता है ओके नाउ सपोज दिस इज अ वेरी स्ट्रांग ट्रेंड 22nd फेब को हमने एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड मार्केट में देखा था एंड यू जस्ट सी दिस थ्री मिनट पे और किस तरह से दिखता है और इस पे किस तरह से दिखता है मोमेंट या या नाउ सी दिस जब भी मार्केट 15 मिनट पे भी वीवैप के ऊपर होगा एंड ऑल दिस ईएम इज अ सॉर्टेड समझ लेना मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में है और आपको उसमें क्या करना है जस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है टू री एंटर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड कब 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 वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है जब भी एक रिट्रेसमेंट आए ना दिज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल कैन यू सी दिस कैंडल ओके दिस इज अगेन अबाउट फिफ्टीन मिनट एंड बट दिस इज अ फिफ्टीन मिनिट का रेड कैंडल कैन यू जस्ट सी यहाँ पे जस्ट वो थ्री मिनट पे है ओके दिस इज जस्ट थ्री मिनट पे है सेम उसी टाइम पे है ये जो कर्सर uh, है एग्जैक्टली exactly वो टाइम दिखा रहे नो नो वीवैप को कोई सेटिंग नहीं है दिस इज़ द वेरी बेसिक आई मीन नो सेटिंग एट ऑल ओके सो दिस इज द रेड कैंडल मतलब क्या है ये वीवैप के ऊपर है ट्रेन यहाँ पे सॉर्टेड है फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे वी जस्ट नीड अ कंफर्मेशन नाउ इन दिस थ्री मिनट व्हेन यू नो यहाँ पे sorted है, यहां पे वीवैप के ऊपर है सो ट्रेंड इज स्ट्रॉग सो एट दैट पॉइंट कैन यू सी दिस दिस इज द ट्रेंड और दिस इज ये पूरा एक्शन है जो 15 minute पे यहां पे हमको दिख रहा है Same यहां पे भी है कैंडल uh, इस इतने सारे रेड के बाद जो भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल आती है विच इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस नाइन एंड थर्टीन ई एम ए That is the candle to re enter into the trend. Okay. In such, in this particular candle, and let me zoom this. Can you see this candle? Okay. I always prefer a hammer or a strong candle for the re entry. Okay. Now, in this particular candle, can you see this? Is this the candle for re entry? Is this the strong candle or the hammer candle? If you can see this, just tell me. So, obviously,

And again go for one is to 1.5 first target, then 1 is to 2. Yeah, 15 minute pay jump, it's a trend. Hai, you know how we chase the targets, right? This okay. This is just a candle pay up. This is not a strong candle at all. Always go for this hammer or strong candle like this, and you will get those. So jabhi trend, this is the retracement part. What you will wait for, a strong candle or a hammer. In this case, this is our entry.

नाउ इन दिस कंडीशन कौन सी कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको लग रही है जहां पे आप एंट्री ले सकते हो इन दिस पूरा ये दिस कैंडल इज द स्ट्रांग कैंडल यस नो इलेवन एटीन की कैंडल है एंट्री अगेन आई टेल यू नो दिस इज नॉट अ बेसिकली सी जब भी स्ट्रांग कैंडल होगी तो उसकी जो विक है ये हमेशा ऊपर रहेगी इन दिस इज द ग्रीन पार्ट ओके एंड बुलिश कैंडल हमेशा बुलिश कैंडल की विक हमेशा ऊपर रहेगी और बॉडी पार्ट नीचे रहेगा या समटाइम्स यहाँ पे भी छोटी सी विक हो सकती है बट दिस विक इज इंपॉर्टेंट ये कैंडल क्या डिनोट uh, करती है कि प्राइस जो है यहाँ पे तो क्लोज हो गई है प्रीवियस प्राइस की और नेक्स्ट प्राइस जस्ट यहाँ पे ओपन होके सॉरी ये जो कैंडल है यहाँ पे जो है ये प्राइस जस्ट हाँ ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है और ये इस तरह की जो कैंडल होती है दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसकी छोटी सी विक ऊपर होती है पर ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होती है सो ऑलवेज प्रीफर हैमर स्ट्रॉग कैंडल एंड इन केस इफ यू थिंक कि दिस इज अ स्ट्रॉग कैंडल वॉट वुड बी योर एंट्री पॉइंट दिस इज योर एंट्री द हाई ऑफ द कैंडल प्लस बफर एंड लो माइनस बफर वुड बी योर एस एन सो यहां पर आप इस कैंडल से बाहर आते ओके नाउ अगेन द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग यहां पर यहाँ पे आप कौन सी कैंडल है जहां पे आप फिर से एंट्री ले सकते थे दिस दिस और दिस द थर्ड वन यप अगेन दिस इज द हमेशा जो स्ट्रांग कैंडल का ट्रेड uh, हम लेंगे स्ट्रोंग रिट्रेसमेंट का ट्रेड लेंगे इट्स अ वन कैंडल ट्रेड सो अगेन दिस इज द हाई अबाउ हाई प्लस बफर आपका एंट्री पॉइंट और दिस इज योर एस एल फर्स्ट टारगेट वन इज टू वन पॉइंट फाइव एंड सेकेंड टारगेट टू टूर नाउ अगेन सी दिस इज दार्टरी हम ऐसे सारे ट्रेंड का वो करेंगे कि कहा हमको पार्ट मिला है नाउ दिस इज द रेड पार्टिस दिस इज द अगेन रेड पार्ट ओके यहाँ पे नाउ दिस इज द रिप्रेसमेंट ये पूरे पार्ट में कोई आपको ट्रेंड ऐसा कोई कैंडल आपको ऐसी दिख रही है जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो विच कैंडल इज दिस द कैंडल नो इज दिस द कैंडल नो कैन दिस बी द कैंडल फॉर द री एंट्री यस हाई प्लस बफर योर एंट्री

ढूंढ you know trend. Trend है oh, रहे हैं जस्ट बिकॉज दिस प्राइज एक्शन इज ऑन फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम द प्राइज एक्शन इज अबाउ एंड ऑल दीज इड तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका

ओकेटेड प्राइज इज अबाउ बी बै राइट सी दिस पे अगर मैं वो करूर इज दिस इज दार्ट नाउ यहां पर देखो यहां पर आपकी एंट्री कहां हो सकती थी दिस इज दार्ट है जो आपको बता रही है कि री एंट्री हो सकती है नो 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 कोई को रिलेशन फ्यूचर के चार्ट के ऊपर नहीं है जस्ट आप इसको रेफरेंस को देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन प्राइस कर क्या रही है ओके दैट द मेन थिंग यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल है जो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर दे रही है आई कैन सी दिस हैमर यहाँ पे प्रॉबेबली मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेती अगर मैं इसको तब ट्रेड करती मेरे सामने होता और ये हैमर वीवैप के ऊपर दे रही थी तो यहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट होता हाई ऑफ द कैंडल और यहाँ पे मेरा एस होता ओके अगेन वन पॉइंट वन कैंडल ट्रेड इट इज ऑफ कोर्स मेरा ये इसका इस पर्टिकुलर लेवल का का ब्रीच होता यहां पे मैं अच्छा कासा, मतलब जो भी उसके तो पॉइंट ले लेती अंडरस्टूड दिस इज द कैंडलवुड आई एम लुकिंग फॉर फॉर द री एंट्री बट इसका एसे हिट हुआ अगेन बट मार्केट क्या कर रहा था यहां से एक यूटर्न ले रहा था और बेसिकली फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे ये वीवैप के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सो वेन एवर मार्केट इज लाइक दिस फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है सॉर्टेड हर एक रिट्रेसमेंट में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे फॉर द ऑप्शन बाई सो कहा गया यस नाउ जस्ट टेल मी यहां पे ये यहाँ से ऊपर गया ये 15 मिनट टाइम फ्रेम एक्चुअली यहाँ पे हमें कंफर्म हुआ कि 15 मिनट पे ये वीवैप के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है देन द रिट्रेसमेंट पाथ एंड दिस इज द कैंडल प्रोबेबली व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल इफ यू कैन सी दिस यस हाई ऑफ दिस कैंडल एंड लो ऑफ द कैंडल वुड बी योर एस कोई भी एक ट्रेंडिंग दे लो uh, और कोई तो ट्रेंडिंग डे दे हम देखते हैं मिनट हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो हमें ट्रेंडिंग डे मिलेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे थ्री मिनट टाइम एनी ट्रेंडिंग डे जहां पे आ, या अब एक यहाँ पे बिहेवियर देखो जस्ट सी दिस दिस इज द ओके दिस इज फेब का डे है ये VBAP के ऊपर प्राइज एक्शन है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 15 मिनट के ऊपर है और विवेप के ऊपर प्राइज एक्शन है और यहां से जो है प्राइज एक्शन बहुत अच्छे से पूरा सॉर्ट आउट हो गई है जस्ट सी दिस कैन यू सी देन विल सी बजट डे आल्सो यस यस सुनील अगेन मैं रिपीट करती हूँ बट यहाँ पे सेवनटीन फेफ का हम देखते हैं ओके सो ये पूरा ट्रेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया और एक ये रेड कैंडल यहाँ पे आई है तो so, उस रेड कैंडल पे यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने वो एग्जैक्टली exactly हम देखते हैं सर या दिस इज पार्ट दिस इज ये रेड कैंडल आई थी एंड कैन यू सी दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल इवन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल विच इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम थर्टीन ट्वेंटी नाइन थर्टीन ट्वेंटी का पॉकेट समझ में आ रहा है सबको कहा मेरा एंट्री पॉइंट आई यू गेटिंग द एंट्री पॉइंट

अगेन मार्केट ने एक डीप डाइव लिया यहाँ पे पूरा स्टिल दॉर्टेडेड और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे चाहिए थी इन दिस केस यहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ कौन सी कौन सी ऐसी कैंडल है जो मैं रिट्रेसमेंट के लिए ले सकती थी प्रॉबेबली दिस कैंडल थ्री मिनट पे हमको एक्शन लेनी है राइट फिफ्टीन मिनट पे हमको

निफ्टी का परसों का देखना है या फर्स्ट फेब का देखते हैं निफ्टी का अगर फिफ्टीन मिनट पे सॉर्टेड होगा ना गीता तो थ्री मिनट पे ऑलमोस्ट सॉर्टेड होगा वो ट्वेंटी अभी आधे जस्ट वन कैंडल स्ट्रेटेजी ओके सबसे पहले फ्राइडे का देखते हैं फ्राइडे में मार्केट कचल क्या रही थी अभी कॉल देखनी कॉल तो है ही नहीं इसमें ट्रेंड में नहीं है डार्क 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 ओके ये तो ट्रेंड में है नहीं कॉल पुट देखते हैं सेवनटीन फाइव हंड्रेड तो दिस इज थ्री मिनट टाइम फ्रेम एंड दिस इज फिफ्टीन फर्स्ट फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं ओके नाउ आई गेस कैन यू यू कैन सी दिस नाउ दिस इज द ट्रेंड जो पुट साइड ने दिया था सेवनटीन के पुट ने एंड नाउ विल जस्ट सी द थ्री मिनट टाइम फ्रेम ऑफ इट सो Friday को हम कहाँ बाय कर सकते थे ओके नाउ व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ कि ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि VVAP के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है राइट right? और यहां से वो सॉर्ट आउट भी हो गया है सारे ई एम एस यहाँ पेड है रिट्रेसमेंट so, इसके बाद हम देख सकते हैं right? जिनको भी नया ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन दैट

कैन आई गो विथ दिस कैंडल हैमर एंड यहाँ पे सिंपल वन इज टू वन पॉइंट फाइव वन इज टू टू अगेन ये तो फर्स्ट हो गया अच्छा ये यहां से फिर से नीचे आया ओके नाउ जस्ट सी दिस यहां पर कहाँ कहां हम कर सकते थे ये जो है यहां से नीचे आया एक हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर मिली थी कैन दिस बी द कैंडल टू गो लॉन्ग ओके बतरी आई अगेन रिपीट दैट बट जस्ट टेल मी येस इसका हाई एक्टिवेट हुआ दिस इज अ वेरी स्ट्रांग कैंडल बट हाई एक्टिवेट हुआ तो ये नल एंड वाइट देन विच कैन बी देंडल प्रोबेबली दिस ये हाई लो यहां पे अगेन टार्गेट वुड बी

डनो अगेन यहाँ से वो फिर से रिप्लेसमेंट करके नीचे आया दिस इज दगेन दिस इज देंडल बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट होती है और वन परसेंट वीक होती है दिस इज द स्ट्रोंग कैंडल दिस कैनॉट बी द स्ट्रॉन्ग कैंडल क्योंकि बिग पार्ट बड़ा है उसका नहीं यहाँ पे कंफर्मेशन है ना कि स्ट्रॉन्ग बड़े

Not near VWAP, not near VWAP. When the trend is strong, when trend strong hey on the 15-minute time frame, EMAs are sorted, price action is above VWAP. On 3-minute time frame, we will just look for the retracement candle. And that candle could be hammer and that candle could be a strong candle. So that would be your one candle trade. High of that candle will be your entry point, high plus 1 rupees buffer and low... माइनस थोड़ा सा बफर वन रुपीज टू रुपीज योर एस एन अंडरस्टूड करो बिकॉज द देंड इज स्ट्रॉग यहाँ पे सो यू विल गेट अ नाइस तो तो रुको जब ट्रेंडिंग मार्केट है एटलीस्ट और वैसे भी ऑप्शन में वन इज टू वन पॉइंट फाइव रुकना चाहिए फ्रेंकली एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अ स्कैल्प ट्रेड अगर आप मोमेंटम ट्रेड ले रहे हो तो वन इज टू वन पॉइंट फाइव होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में तभी आपको पी एन एल अच्छा आपका एंड ऑफ द मंथ दिखेगा एट वॉट पॉइंट मार्केट इज ट्रेंडिंग दीज आर द थिंग जब भी कोई भी सीई साइड और पी साइड ऑन फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम इज एंड ऑल द आर सॉर्टेड इट मीन मार्केट इज ट्रेंडिंग सी यहाँ पे कैन यू सी दिस पार्ट दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट का साइन ओके अगेन कैन यू सी दिस पार्ट दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट का साइन बट कैन यू सी दिस पार्ट दिस इज अ ट्रेंडिंग एंड मार्केट इज ट्रेंडिंग इसलिए ये प्राइज एक्शन यहाँ पे ऐसा है सी दिस दिस इज मार्केट इज ट्रेंडिंग सो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे तो थ्री मिनिट पे यू कैन ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी सो यू टेक द कन्फर्मेशन फ्रॉम द फिफ्टीन मिनिट कैंडल की येस इट इज ट्रेंडिंग एंड ऑन थ्री मिनिट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टूट दैट ट्रेंड वन कैंडल ट्रेड मतलब हम इधर दिस इज

फर्स्ट फेब्रुआरी में क्या तो जब भी ऐसे ना कि अच्छा ट्रेंड था और हमने कुछ भी नहीं उसमें से ले पाए तो दिस इज द वे टू गेट इन टू द ट्रेंड फिफ्टीन मिनट पे कंफर्मेशन ऑन अ ट्रेंडिंग डे ऑन थ्री मिनट पे एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिप्रेसमेंट दो कोई ऐसा है जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई हो हंड्रेड रुपीज का 15 नहीं निकालना है जितना आप एस एल लेते हो ना उससे हाउ टू ऑब्जर्व लाइक ओपन द चार्ज ट्रेन योर आइज टू फेब को हमारी वो थी ना एक्सपायरी और कॉल uh, क्या था फोर्टी वन टू हंड्रेड के आसपास सो दिस इज फर्स्ट फेब का चार्ट ओके नाउ कैन यू सी दिस

So तो कहाँ एंट्री लेनी चाहिए फर्स्ट वेब को कहाँ कहाँ एंट्री मैं ले लेती फर्स्ट वेब को दिस इज थ्री मिनट चार्ट ओके फर्स्ट वेब यहाँ पे एंट्री लेती मैं दिस पर्टिकुलर है स्टॉक ऑप्शन के थ्री मिनट पे अच्छे वो नहीं होते हैं सो डोन्ट यूज दिस वो ओके कैन आई टेक द एंट्री यहां पर ऑन दिस है ओके फिर ये रिट्रेस हुआ कैन आई टेक दिस एंट्री स्ट्रॉन्ग कैंडल यस देन यहां से प्राइस फिर से नीचे आई विच कैंडल आई शुड गो फॉर फॉर द री एंट्री राधर नन नो कैंडल इज देर एनी कैंडल जहा पे मैं एंट्री ले सकती थी वापिस कॉल साइड इज द हैमर है सो देर आर टू अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉल साइड ऑन फर्स्ट पेप ये ना हम पी साइड भी देख लेते हैं दिस इज दाइड वीव सीन ओके कॉल साइड क्लियर पी साइड देखे

सेम यहाँ पे. पे बहुत स्ट्रॉन्गली सॉर्टेड यहाँ पे ज्यादा साइड अच्छा, में क्या हुआ है थ्री मिनट टाइम फ्रेम पे देर इज नो रिट्रेसमेंट एट ऑल देर इज अर ट्रेड रिट्रेसमेंट एक रिट्रेसमेंट यहां से आई थी बट अगेन कोई कैंडल ऐसी नहीं थी जहां पे आप फिर से बाय कर सकते उसमें उस दिन राइट दिस इज द रिट्रेसमेंट पार्ट दिस इज द ट्रेंड पार्ट दिस इज द रिट्रेसमेंट कार्ट कैन यू सी एनी कैंडल जहां पे आप बाय कर सकते थे नो नन राइट दैट्स इट एक ये कैंडल थोड़ी बहुत स्ट्रांग यहां पे बनी थी पर इसका हाई भी ब्रीच नहीं हुआ था नहीं नहीं ये थ्री मिनट पे सिर्फ हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है हैमर देखना है कब देखना है सिर्फ वो कंडीशन जब फिफ्टीन मिनट पे ट्रेंड क्लियर हो वेरी सिंपल दैट इज दिस इज वेरी स्ट्रांग कैंडल पर एक्टिवेट ही नहीं हुई है कैंडल राइट टुडे आई अंडरस्टूड हाउ टू बाय अ डिप्स हाँ एक्चुअली डिप पे बाय करते हैं या राइस पे सेल करते हैं जब उसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तब हम उसको बाय ऑन ऑन करते करते सेल हैं या बाय ऑन डिप्स करते हैं सो जस्ट ये जो चीज मैंने अभी बताई है अगेन आपको क्या करना है स्टडी करना है ओपन द चार्ट्स और देखो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑन 15 मिनट ऑप्शन का इसमें And then three minute पे आपको कब कब एंट्री एंट्री मिलती है कहां पे पे नॉट सॉर्टेड मिनट मिनट अगर ट्रेन पे स्ट्रॉन्ग हो तो थ्री मिनट के ई मत देखो वही मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली फिफ्टीन थ्री मिनट का कॉम्बिनेशन देखो सो यू नो कि मार्केट जब ट्रेंड होता है बहुत अच्छा ट्रेंड होता है और मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको फोमो भी होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का फायदा नहीं उठा पाए एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली नाउ कहां पे एंटर करना है दिस इज द वे यू कैन गेट द एंट्री बट जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी राइट आपको होता है गुड सो वेट फॉर दैट स्ट्रांग कैंडल और द हैमर मैम रिवर्सल ऑप्शन बाइंग का वीडियो ऑप्शन सेलिंग कोर्स में ऐड कर दिया है रिगी टीम ने ओके मैं मैं बात करती हूँ ये रिगी वाले ना दिमाग में जा रहे मेरे ओके सो so, इसका भी रिकॉर्डिंग एक बारी देख लेना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब भी हो तो हमको ढूंढनी चाहिए मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको कभी फोमो नहीं होगा ठीक है अभी क्रूड का चार्ट नहीं देखते सर गुड तो इसकी पहले प्रैक्टिस करो आई स्ट्रेन करो और अगेन जब अब आप हाँ, सी मैंने इस पूरे जब भी जब से ये शुरू किया है प्रीमियम चैनल तब मैंने आपको तीन वेज ऑफ ऑप्शन बाइंग बताई है एक बीओ बताया है एक रिवर्सल ट्रेड बताया है एंड दिस इज द रिट्रेसमेंट ट्रेड राइट दीज आर थ्री मेथड्स तीनों वेलवर्स्ट कर लो आप और जिन्होंने अभी तक नया ज्वाइन किया है वीडियोस देखे नहीं तो रिकॉर्डिंग्स देख लो एंड uh, बीओ ट्रेड फिर से देखना है ठीक है हम दो मिनट में उसका रिकैप करते हैं ओके okay? तो अभी जब भी मैं आपको मैं मेरे ट्रेड दूंगी तो आपको लॉजिक पता है कि किस हिसाब से मैं ट्रेड वो प्लान कर रही हूँ ओके okay? तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी इसमें बीओ का रिकॉर्डिंग है सर ऐसा नहीं होता है मतलब मैं सालों से काम कर रही हूँ इसी मेथड पे ओके okay, रिकॉर्डिंग्स का मैं देखती हूँ एक बार रिगी से बात करती हूँ okay? Okay, चलो मैं एक बार ही बीओ का ट्रेड हम वो करते हैं थ्री मिनट टाइम फ्रेम पे ओके सो बीओ ट्रेड के लिए सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या होता है शॉर्ट होने चाहिए BVAP के ऊपर वो होना चाहिए एंड दिस इज द बीओ ट्रेड जो हम स्विंग हाई जो है वो बेसिकली मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच हो जाए ओके यू कैन सी दिस नाउ यहाँ पे ब्रीचिंग हुई है राइट इन दिस पर्टिकुलर केस अच्छी खासी ब्रीच हुई है बट इज इट अ स्ट्रॉग कैंडल बीओ नो no. सो so, यहाँ पे हम ट्रेड हमारा लेंगे नहीं लेंगे बट वी जस्ट गॉट अवर हाई नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसने इसमें बीओ दिया है इसके हाई के ऊपर ट्रेड प्रॉबली यहां पर कहीं पे एस एल एंड एटलीस्ट वन इज टू वन पॉइंट फाइव वन इज टू टू सिंपल फिर बीओ कहां पे मिला है और कई स्ट्रॉ ट्रेंड तो सी दिस फर्स्ट यहाँ पे एक अच्छा वो मिला फिर जस्ट एक स्विंग हाई बनाते गए हैं ओके okay? ये एक स्विंग हाई बनाया बट नो स्ट्रॉन्ग कैंडल से बीओ अगेन सिर्फ हमको एक न्यू हाई मिला ओके okay? यहाँ पे नाउ एक कैंडल से यहाँ पे बीओ मिला है स्ट्रॉन्ग ओके बट दिस इज फ्रेंकली दिस इज नॉट दैट स्ट्रांग कैंडल मैं ये ट्रेड नहीं करती फ्रेंकली क्यों क्योंकि इसपे ऊपर भी अच्छी खासी विक है नीचे भी अच्छी खासी विक है और जब मैं बीओ के ट्रेड लेती हूँ आई सिंपली वॉन्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल अदरवाइज मैं ट्रेड ओपन नहीं करती हूँ सो so, इस पर्टिकुलर इसमें क्या हुआ सिर्फ मुझे हाई मिला है, मिला है. Now, right? so, यहाँ पे न्यू स्विंग हाई मिला है दैट्स इट नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल इज इट राइट तो यहाँ पे प्रोबेबली मेरा एंट्री uh, पॉइंट यहाँ पे मेरा एस एंड दिस इज द ट्रेड अगेन ये न्यू हाय यहाँ पे मिला दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड दिस इज द ट्रेड ओके सो जस्ट प्रैक्टिस दिस ऑप्शन बाइंग और सारा जो है एटलीस्ट वन इज टू वन पॉइंट फाइव के टारगेट लो वन इज टू वन में मत आओ बाहर वन इज टू वन पॉइंट फाइव का एक हैबिट बना लो और अपकोर्स उतने ही एस एल लो जो आप एफोर्ड कर पाओ अगर आपको लग रहा है कि ए टी एम पे बहुत ज्यादा एसएल है OTM चले जाओ विद द सेम सेटअप विदीएम पे आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगे ओके सो प्रैक्टिस करो एंड अगेन कल से हम आज जो मैंने मेथड सिखाई है उसके ऊपर भी ट्रेड लेंगे अनलेस मार्केट ट्रेंडिंग हो या yeah? चलो लेट्स वाइंड अप द सेशन एंड विल मीट एट नाइन फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस